व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पोको M3 डिवाइस के बारे में और इसके फ्यूचर अपडेट के बारे में, मतलब कि MIUI 13 और Android 12 अपडेट के बारे में। काफी लोगों मेरे पास यहां पर डेली कमेंट आते हैं, टेलीग्राम पे भी यहां पर क्वेश्चन आते हैं कि पोको M3 जो डिवाइस है ना, इसके लिए इंडिया में कब तक MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो यहां पर देखने को मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में इसी का आंसर है ना वो मैं आपको देने वाला हूं, कब तक अपडेट आएगा, अपडेट की टोटल साइज है वो यहाँ पर कितनी होगी और अपडेट का वर्जन नंबर है ना वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर देना है, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाओगे। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि इंडिया में जैसे अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग आपको फर्स्ट वीडियो है ना वो हमारे चैनल पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पोको M3 डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 13 के अपडेट के स्टेटस के बारे में। सो गाइस आपको पता होगा इंडिया में लगभग जितने भी Xiaomi, Redmi और Poco के जो डिवाइस है ना उनके लिए MIUI 13 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और बाकी जो गिने चुने जो डिवाइस है ना उनके लिए भी जो अपडेट है ना वो काफी जल्दी यहाँ पर मिलने वाला है। सो पोको M3 का क्या यहाँ पर स्टेटस है ना वो यहाँ पर चल रहा है। सो गाइस मैं आपको बता दूं पोको M3 जो डिवाइस है ना इसके लिए जो लास्ट अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज किया गया था 6 जून को, जिसका वर्जन नंबर था 12.5.4.0। सो 6 जून को ये जो अपडेट है ना वो पहली बार यहाँ पर रिलीज किया गया था और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको न्यूज है ना वो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी यहाँ पर शेयर करी थी। सो आपको पता ही होगा Xiaomi की अपडेट पॉलिसी है कि 90 डेज के अंदर एक नया अपडेट है ना वो रिलीज किया जाता है एक पोको के डिवाइस के लिए या फिर एक MI के और रेडमी के डिवाइस के लिए। सो यहाँ पर जो 6 जून को अपडेट है ना वो रिलीज किया गया था, सो उससे आप लोग 90 डेज है ना वो यहाँ पर काउंट कर सकते हो, 3 डेज के अंदर 90 डेज आप लोग मान के चल सकते हो। सो 6 जून से अगर आप लोग यहाँ पर काउंट करते हो सो जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, सो 6 सेप्टेम्बर की आप लोगों को यहाँ पर डेट है ना वो देखने को मिलती है। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सेप्टेम्बर है ना वो तो यहाँ पर काफी लेट आता है, तो अपडेट भी इतना ज्यादा डिले हो गया है या फिर नहीं, तो मेरे को नहीं लगता है सेप्टेम्बर तक अपडेट है ना वो यहाँ पर जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर जो अपडेट है ना वो अगस्त का मंथ है ना उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, काफी पॉसिबिलिटी है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी टोटली Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों को अपडेट है ना वो यहाँ पर जल्दी प्रोवाइड कराना है विद बग्स के साथ में या फिर अपडेट को लेट प्रोवाइड कराना है एक नॉर्मल से, मतलब कि स्मूथ अपडेट के साथ में। तो गाइज मैं आपको यही बोलूंगा आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना है, आपको अगस्त की एंडिंग का यहाँ पर वेट कर लेना है, उसके अंदर आप लोगों को जो अपडेट है ना वो देखने को मिल जाएगा पोको M3 डिवाइस के लिए। सो गाइज आज की वीडियो में आप लोग साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पर शेयर करनी थी और साथ ही में मैं आपको ये भी बता देता हूँ अपडेट की टोटल साइज है ना वो यहाँ पर कितनी होने वाली है। सो अपडेट की टोटल साइज है ना वो आप लोगों को बड़ी ही देखने को मिलेगी क्योंकि एक तो Android 12 का अपडेट है और एक MIUI 13 का अपडेट है, सो दोनों में से अपडेट है तो अपडेट की टोटल साइज है वो बड़ी होगी। सो 3 GB के आसपास यहाँ पर आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज है ना वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर अपडेट का वर्जन नंबर है ना वो आप लोगों को ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना वो यही मिलती है 13.0.1.0 का यहाँ पर अपडेट है ना वो मिल जाएगा और ये अपडेट ओनली 1 आवर के लिए रिलीज होगा। सो आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर अपडेट करना होगा तो जल्दी से पता भी लगना चाहिए, अब अपडेट का वो नोटिफिकेशन आएगा नहीं पता आप लोगों को लगेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। 2 मिनट के बाद में आपको जो न्यूज है ना वो यहाँ पर मिल जाती है विद स्क्रीनशॉट के साथ में, सो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।